हम लोग समझ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल यानी फाइल का वर्गीकरण। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू लेंथ और अकॉर्डिंग टू शेप के बारे में समझ लिए हैं, और आज समझते हैं अकॉर्डिंग टू कट। अकॉर्डिंग टू कट यानी कट के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो कट के आधार पर कौन कौन से फाइल होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल कट, सिंगल कट फाइल। इसके बाद डबल कट फाइल, डबल कट फाइल। अगला है रस्प कट फाइल, और चौथा है कर्व कट फाइल। ठीक है, पला आ गया सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रस्प कट फाइल और कर्व कट फाइल। तो इसको हम बारी बारी से समझते हैं। सिंगल कट फाइल क्या है, पहले हम यहां पर देखिए फाइल का फिगर बना देते हैं। यहां पर हम फाइल का फिगर यहां पर बना रहे हैं। तो इसमें अगर सेंटर से एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में समानांतर में यदि कट लगा रहता है, वैसे कट को हम सिंगल कट बोलते हैं, ठीक है। यानी फाइल के फेस पर केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में समानांतर में जो कट लगा रहता है उसको हम सिंगल कट फाइल कहते हैं। ये सेंटर से 60 डिग्री पर कटा रहता है, समझ गए। सिंगल कट फाइल जो रहता है वो सेंटर से 60 डिग्री पर कटा रहता है, इसे एकहरी कट फाइल भी बोलते हैं। केवल एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में समानांतर में कट लगा रहता है। इसके बाद है डबल कट फाइल। यहाँ डबल कट फाइल का हम फिगर बना रहे हैं, पहले फाइल का यहाँ फिगर आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो ऐसे कट गया, सिंगल कट ये हो गया, ये सिंगल कट जो रहता है वो 60 डिग्री पर कटा रहता है, और इसके दूसरे दिशा में भी इस तरह से, जिसको हम ओवर कट भी बोलते हैं। यहां से इसके ऊपर एक और कट लगा रहता है जो कि ये भी समानांतर में ही बना होता है, इसी को हम डबल कट या ओवर कट भी बोलते हैं। ये जो है ये सिंगल कट जो इस पर पहले सिंगल कट कटा रहता है वो 60 डिग्री पर, सेंटर से 60 डिग्री पर कटा रहता है, और ये ओवर कट जो रहता है वो आपको 75 से 80 डिग्री में कटा रहता है। सेंटर से जो ओवर कट रहता है वो 75 डिग्री से 80 डिग्री में सेंटर से कटा रहता है। ये जो डबल कट फाइल का प्रयोग जो है वो अधिक मात्रा में मेटल को काटने के लिए किया जाता है। ये अधिक मात्रा में यानी कि आप कह सकते हैं रफ वर्क के लिए, डबल कट फाइल का प्रयोग जो है रफ वर्क के लिए किया जाता है, और ये सिंगल कट फाइल जो है ये कम मात्रा में धातु काटता है, फिनिशिंग अच्छी देती है। इसका प्रयोग मुलायम धातु को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये इसको फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट वाले फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रस्प कट। इसमें क्या होता है कि यह सिंगल कट और डबल कट की तरह ये पैरेलल में दांते नहीं कटे होते हैं, इसमें एक दूसरे तरह का उभार रहता है, इस तरह का, देखिए फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह का एक उभार रहता है, और इसका प्रयोग जो है
हार्ड लकड़ी, चमड़ा या मुलायम धातु पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो घोड़ा का खुर होता है, पैर होता है, उसके जो खुर नीचे में उसके फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या चमड़ा पर या हार्ड लकड़ी पर फाइलिंग करने के लिए रस्ट कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कर्व कट फाइल। कर्व कट, यहां पर आप फिगर देख रहे हैं, कर्व में इस पर जो कट बना रहता है वो कर्व में बना रहता है, देख रहे हैं ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये इसका जो कट है कैसा कर्व में बना रहता है। और इस फाइल का भी प्रयोग कहां पर करते हैं, मुलायम धातु को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अब फिर से पर समझ लेते हैं, सिंगल कट फाइल का जो सेंटर से रहता है वो 60 डिग्री पर कट दांते कटा रहता है, और इसका प्रयोग जो है मुलायम धातु को काटने के लिए या किसी भी जॉब को फिनिश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है डबल कट फाइल। डबल कट में इसमें पहली कट जो होती है वो 60 डिग्री सेंटर से 60 डिग्री पर कटा रहता है, और ओवर कट जो रहता है वो 75 से 80 डिग्री में कटा रहता है। और इसका प्रयोग जो है किसी भी धातु को रफ वर्क के लिए यानी अधिक मात्रा में मेटल को काटने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रस्ट कट फाइल। रस्ट कट फाइल का प्रयोग मुलायम धातु, हार्ड लकड़ी, चमड़ा इत्यादि पर फाइलिंग करने के लिए रस्ट कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसे चौसा कट भी बोलते हैं, रस्ट कट का दूसरा नाम चौसा कट फाइल है। इसके बाद है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल का जो प्रयोग है वह मुलायम धातु को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, इसका दांते जो है वो कर्व में बना रहता है, ठीक है।